धन्यवाद मुजफ्फर भाऊ आगे बढ़ो मुजफ्फर भाऊ आगे बढ़ो कांग्रेस पक्षाचा कांग्रेस पक्षाचा यानंतर मी इसके बाद मैं विनंती करता हूँ एआईसीसी के सेक्रेटरी बीएन संदीप साहब को कि आप अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त सब लोगों को नमस्ते मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ सिर्फ दो मिनट में ख़त्म करता हूँ क्यों बाला साहब थोरड़ जी कब अध्यक्ष बनकर काम शुरू किया अभी तक एक दिन भी रेस्ट नहीं ले रहे एक सभा खत्म होने के बाद वो इधर से संगमनेर जाना है सुबह शिरडी जाकर शिरडी से दिल्ली जाना है इसलिए उसका 7 घंटे का सफ़र भी इधर से रास्ते में है इसलिए आपका बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं देता हूँ ये मैनिफेस्टो रिलीजिंग कार्यक्रम मीरा भयंडर विधानसभा का मैनिफेस्टो रिलीजिंग कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब थोरड़ जी और प्रदेश कांग्रेस का कार्याध्यक्ष आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी राजेश शर्मा जी हुसैन दलवाई जी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष मालूसरे जी लियो कोलोसो जी महेंद्र सिंह चौहान जी सी डी सिंह जी अनिल सावंत जी जुबैर फरवाना जी संतोष पेंडुरकर जी संतोष शेट्टी जी रमाकांत मात्रे जी निर्मला सालवे जी प्रमोद सामत जी लीला ताई जी राहुल परेख जी अशरफ शेख जी उपस्थित सारी जिला कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस का और वार्ड का बूथ का अध्यक्ष फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट का अध्यक्ष और सभी पत्रिका मित्रों आज मीरा भयंडर में मैनिफेस्टो रिलीजिंग कार्यक्रम था अभी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो मीन्स वो प्रॉमिस समझ कर जाता है हम लोग आप कभी भी ले लीजिए कब कब मैनिफेस्टो रिलीज किया है तब तक वो पूरा प्रॉमिसेस हम लोग आपका साथ काम कर कर भी दिखाया है यूपीए 1 है यूपीए 2 है अभी हमारा पहला महाराष्ट्र का कांग्रेस का सरकार थे हम कितना प्रॉमिस किया है उतना प्रॉमिस को हम लोग कर कर दिखाया है अभी 5 साल में हम लोग केंद्र भी सरकार देखा है और राज्य भी सरकार देखा है वो कितना प्रॉमिस किया है उसमें 10% भी प्रॉमिस को कर कर नहीं दिखाया है वो लोग बहुत प्रॉमिस किया है बार बार इधर मैं बहुत बार इधर आया हूँ हर ब्लॉक में आया हूँ बहुत बार वो सब आपका बीच में मैं शेयर किया हूँ इसलिए दोबारा वो बात करने का कोशिश नहीं करता हूँ महात्मा गांधी जी का 150 सेंटेनरी का इस संदर्भ में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहता है महात्मा गांधी जी देश के लिए 2 मंत्र दिया था एक सत्य और एक अहिंसा अभी 5 साल में ये देश पूरा उल्टा रास्ते में जा रहा है एक सत्य बात करना नेता नहीं मिल रहे हमारे केंद्र में राज्य सरकार में और अहिंसा का भी बात करना नेता नहीं मिल रहा है केंद्र और राज्य सरकार में पूरा देश में असत्य और हिंसा का प्रवृत्ति हम लोग देख रहा है इसलिए महात्मा गांधी जी का एक 150th का बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग एक सोच करना पड़ना है अभी कुछ ही दिन में चुनाव आ रहा है अब सब लोगों को पता है ये चुनाव में आप इधर बहुत लोग बूथ लेवल में काम करने वाले हैं इसलिए आप सब लोगों को मेरा एक विनंती है आप महाराष्ट्र का सोचना छोड़ दीजिए महाराष्ट्र का सोचना महाराष्ट्र का घूमना महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का नेतृत्व सरकार लेकर आना वो थोरड़ जी का जिम्मेदारी है थोरड़ जी कर रहे थोरड़ जी का नेतृत्व में सरकार आता है मगर मीरा रोड में इधर एक आमदार चुनकर आना है तो आप लोग आज से ये क्या मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है आपको घर घर जाकर पहले आप मैनिफेस्टो को पढ़ना चाह रहा है कांग्रेस में पढ़ने का थोड़ा प्रैक्टिस कम है इसलिए पहले आप मैनिफेस्टो पढ़िए घर घर जाकर वो मैनिफेस्टो को आपको विचार मंथन करना है लोगों को कन्विंस करना है लोगों को साथ समय बिताना है मेरे को पता है इधर हर सोसाइटी के लिए एक कमेटी बनाया है एक स्टेट के लिए एक कमेटी बनाए एक सब कमेटी से इधर इतना ज़्यादा कमेटी से आप सब लोग मिलकर काम किया तो
अब सब लोग मिलकर काम किया तो इधर 416 बूथ से इधर चार लोग 30,000 का ऊपर वोटर से उसको पहुंचना इतना आसान नहीं है। आप सब लोग आज से ही पूरा समय इलेक्शन के लिए, पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए दिया तो ये संभव है बोलकर, इसलिए आप सब लोगों को पार्टी का बहुत उम्मीद ज़्यादा है। इसलिए मेरे को भी यकीन है ये मैनिफेस्टो को साथ बीजेपी और शिवसेना का फेलियर्स भी आप घर घर जाकर बात करता है, वो लोगों को बोलता है, लोगों को यकीन करता है क्यों लोग कांग्रेस को वोट देना है। अभी इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर देखा है, बेरोजगारी देखा है, अभी आपका पंजाब नेशनल बैंक भी क्लोज हो रहा है। ऐसा आने वाला समय में ये लोगों को हम लोग बात नहीं किया तो लोग, ये लोगों को प्रश्न नहीं किया तो ये बहुत बैंक क्लोज होने वाला है। ये लोगों को हम लोग कन्विंस करना है। ये चुनाव सिर्फ बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के बीच में चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सत्य और असत्य, असत्य के बीच का चुनाव है, ये चुनाव है संविधान और मनुस्मृति के बीच का चुनाव है, ये चुनाव है हिंसा और अहिंसा के बीच का चुनाव है। इसलिए ये चुनाव हम हर एक कार्यकर्ता ये चुनाव को हम लोग डू और डाई जैसा लेकर हम लोग हर घर घर को पहुंचना है। ये चुनाव में हम लोग बार बार जाकर लोगों को बोलना है क्यों कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस इस इतना साल में देश के लिए क्या किया है, ये सब बोलना हमारा सबका जिम्मेदारी है। अभी महात्मा गांधी जी का वीडियो आपको दिखाया है, वो वीडियो में एक भी आरएसएस का आदमी आप दिखाया क्या, वो सोचना है। वो वीडियो में मुसलमान है, ये वीडियो में क्रिश्चियन है, ये वीडियो में ब्राह्मण है, ये वीडियो में कन्याकुमारी तक, काश्मीर तक आपको लोग देखना पड़ा, मगर आरएसएस का चड्डी पहनकर लोग एक भी आदमी उसमें देखना नहीं पड़ा। उस समय से भी आरएसएस का लोग ये देश का खिलाफ है, अभी भी आरएसएस का लोग ये देश का तोड़ने का काम कर रहा है, बीजेपी का वही काम है। मैं आप सब लोगों को सामने एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। आप बहुत दिन से देख रहा है किधर किधर कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता है, किधर किधर अपोजिशन पार्टी का बड़ा बड़ा नेता है, आईटी और ईडी को देख कर दबा रहा है। मैं आपका माध्यम से बीजेपी वालों को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बीजेपी और आरएसएस क्या वॉशिंग मिशन है क्या, बीजेपी और आरएसएस क्या वॉशिंग मिशन है क्या? नारायण राणे को ईडी नोटिस दिया, वो बीजेपी ज्वाइन किया, उसको कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में 14-17 एमएलए को आईटी नोटिस दिया, वो बीजेपी ज्वाइन हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। असम में हमारा बड़ा नेता को एक ईडी नोटिस दिया, वो बीजेपी ज्वाइन किया, उसको कुछ नहीं हुआ। आदर्श कैम्प में वेस्ट बंगाल में बहुत लोगों को, टीएमसी लोगों को ईडी नोटिस दिया, वो बीजेपी ज्वाइन किया, उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसा है लग रहा है हमको बीजेपी और आरएसएस एक वॉशिंग मशीन जैसा है, आप खराब कपड़ा डालो वो सफ़ेद आकर आता है। ऐसा है क्या? हम लोग प्रश्न पूछने का समय है, इसलिए महात्मा गांधी जी का एक वीडियो से हम लोग एक सब लोग सोचना है, ये डरने का समय नहीं है, ये फाइट करने का समय है। ये कांग्रेस को सत्ता में लेकर आने के लिए हम लोग फाइट नहीं करना है, ये देश बचाने के लिए हम लोग फाइट करना है, महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी इधर स्थापित करने के लिए हम लोग फाइट करना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा उसके लिए हम लोग फाइट करने में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है, उधर किधर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला है मैं बिहारी हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं गुजराती हूँ, किधर में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला है ये कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान का है, हिंदू का है, गरीब का है, अमीर का है बोलकर। इसलिए ये संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ना है, ये देश को बचाने के लिए हम लोग लड़ना है। अभी इलेक्शन टाइम में बार बार आ रहा हूँ, बहुत बार आपका पास में बात किया है। अभी थोराड़ जी ने मेरे को अभी एक मैसेज दिखाया, हम लोग पीछे बैठे थे, अभी नवरात्रि का इस सुसंदर्भ में आप सब लोगों को भी नवरात्रि का विश करता हूँ। अभी थोराड़ जी अभी बताया मुजफ्फर हुसैन जी का कैंडिडेचर ऑफिशियली एआईसीसी ने डिक्लेयर किया बोलकर, आप सब लोगों से समझ देश का मुजफ्फर हुसैन जी को हम ऑल बेस्ट विशेस बोलकर दो शब्द आपका बीच में रखने को मौका दिया, इसलिए सब लोगों को धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय कांग्रेस।